दो साल तीन नहीं 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 इतना टाइम नहीं हुआ है। अच्छा हिमाचल की पहली रैंगलर थी। हाँ। मतलब पूरे हिमाचल में पांच है पर पूरे हिमाचल की पहली थी ये। अच्छा हाँ। ये तो बहुत ही यूनिक चीज है। जो आपकी ये अब वाली फॉर्चुनर है जो वो आपकी सातवीं आठवीं फॉर्चुनर होगी है ना। हाँ, मतलब जैसे ही नई आती है पुरानी दे के नहीं ले लेते। हाँ, जो वेरिएंट नया आता है ना। हाँ, जो नया वेरिएंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज आपको एक नई चीज दिखाते हैं, एक बवाल दिखाते हैं। देखना चाहते हैं आप? अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए। चलिए 1 2 3। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीप रैंगलर रूबीकॉन की। आज हम यहाँ पहुँचे हैं भाई, गाड़ी खड़ी थी और हमसे रहा नहीं गया। मैंने बोला यार भाई इस गाड़ी को देखना है, फील लेना है, स्वाद लेना है, गाड़ी का टच करना है गाड़ी को, तो दौड़ के हम यहाँ चले आए। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है महिंद्रा थार और यहाँ पे लगी है जीप रैंगलर रूबीकॉन। पहली बार इस गाड़ी को फील कर रहा हूँ। वाकई में ये चीज़ भाई देखने लायक है और फील करने लायक है। जो बोलते हैं ना क्यों लेनी है 80 लाख की गाड़ी, क्यों लेनी है और थार ही ले लो, भाई मैंने खुद फील कराया भाई, नहीं ये गलत बोलते हैं, ये चीज़ कुछ और ही है भाई। तो हमने जो पहली बार देखा भाई, हम इसका कंपैरिजन थार के साथ नहीं कर सकते हैं। इसके बजट में जो इसका प्राइस आता है 80 लाख के करीब ये गाड़ी पहुंच जाती है। ये जो है चार थार आ जाएंगी तब जाके एक आप रूबीकॉन ले सकते हैं। देखो अब क्यों ले सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, कैसा मिलता है, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है। पर एक बात मेरे को समझ नहीं आती है, दो गाड़ियां हैं देखो, थार है एक, रूबीकॉन है। इस गाड़ी को 1 स्टार रेटिंग मिला है लेकिन इसको 4 मिला है, कारण क्या है हमें नहीं है पता। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए गाड़ी को सामने से देखते हैं, एक बार आपको सामने से लुक दिखाता हूं उस गाड़ी का मैं। तो दोस्तों जीप रैंगलर रूबीकॉन कुछ इस तरह से आपको सामने से देखने को लगती है। और ये कलर जो आप देख रहे हैं सॉलिड व्हाइट कलर है, 4x4 में मिलता है। थार का भी आपको 4x4 मिलता है। हमने देखेंगे यहाँ पे आपको फ्रंट में एक बम्पर मिल जाता है, बम्पर ब्लैक कलर का बम्पर, काफ़ी बड़ा बम्पर मिलता है। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जो हमें थार के अंदर नहीं मिलती है। अब एक एक चीज़ नोट करना आप, ठीक है। थार के अंदर हमें एक बम्पर मिलता है लेकिन है तो बड़ा, लेकिन भाई इससे बड़ा नहीं है ये, इसमें बम्पर मिलता है। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, थार के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको LED फॉग लैंप मिलते हैं लेकिन थार के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। सिल्वर एलिमेंट देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है ना, लुक को एनहांस कर देता है। अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे आप जो प्रोजेक्टर लैंप है तो यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं लेकिन थार के अंदर आपको ये नहीं मिलेंगे। आफ्टर मार्केट आप जो आप देख रहे हैं थार के अंदर ये चीज़ें करी जा रही हैं, इन चीज़ों को चेंज करा जा रहा है। सामने की जो ग्रिल है इसको भी चेंज करा जा रहा है ताकि ये रूबीकॉन की लुक दे सके। तो आप समझ सकते हैं भाई असली चीज़ यही है, वो नकली है, ठीक है। लेकिन 4x4 दोनों गाड़ियाँ 4x4 में आती हैं। ये आपको लैचेस मिलते हैं जो कि पेंटेड है, जिसके ऊपर आपको एक यहाँ जीप की एक ब्रांडिंग मिलेगी छोटी सी, और यहाँ पे आपको दोनों साइड रूबीकॉन की एक बैजरी मिलेगी, दूसरी साइड आपको इससे मिल जाएगी ये देखो। अब बोनट की बात करूँ भाई, जैसे मैं इस गाड़ी को फील कर रहा हूँ ना भाई, सच में आप देखो एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ, आवाज़ सुनिए, अब थार के ऊपर सुनिए, है ना टीन। एक्चुअली ये भी टीन है लेकिन कुछ और है, ये देखो एक बार फिर से सुन लो, ठीक है। तो ये चीज है, तो सामने से गाड़ी कुछ इस तरह देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एयर इंटेक्स ट्यूब मिलती हैं दोनों साइड जो कि वर्किंग है ये दोनों। और व्हील आर्च की बात करें, थार के अंदर आपको कम मिलता है लेकिन इसका जो व्हील आर्च है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, देखने में गाड़ी की चौड़ाई बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको DRL विद इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलती है जो कि एक लाइट पड़ने पर काम करते हैं। यहाँ पे साइड में आएंगे तो साइड में आपको टायर मिलेगा, टायर फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगी। और टायर का साइज की बात करूँ तो इसमें आपको 255/70R18 का इसके अंदर आपको टायर इंस्टॉल मिलता है। और यहाँ पे आपको मिलती है जीप रैंगलर की ब्रांडिंग। और यहाँ पे माउंट मिलता है एंटीना, जो थार में देखेंगे को ड्राइवर साइड मिलता है और यहाँ पे ड्राइवर साइड मिलता है। और यहाँ पे आपको साइड मिरर मिलते हैं विद इंडिकेटर मिलते हैं। अभी जो आप मिरर देख रहे हैं सिंपल वाले मिरर नहीं है, ये भाई हीटेड हैं। अगर आप विंटर एरिया में रहते हैं वहाँ पे ओस जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, इसके ऊपर पानी पड़ जाता है तो इसके पानी टिकता ही नहीं है भाई, ये हीटेड है, जैसे पानी गिरेगा तो एकदम से सोख लेता है। ये इसका ग्लास है, टिंटेड है। और साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से गाड़ी की, जो आपको गाड़ी की लेंथ मिल जाती है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप चढ़ने के लिए यहाँ पे फुट स्टैप मिलेगा, यहाँ से लेके पीछे तक एक बराबर मिलता है। और पीछे वाली टायर की बात करूँ, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, वही टायर साइज मिलता है। यही तो चाहिए भाई, देखो ये टो करने के लिए कितनी प्यारी लग रही है ना पीछे,
अगर इसके अंदर यहाँ पे कुछ लगाते हैं आसानी से हम यहाँ पे टो कर सकते हैं गाड़ी को, गाड़ी के ऊपर कोई डैमेज ना हो। कई गाड़ी में ये आगे होता है, वहाँ से अगर कुछ विंच भी लगाते हैं तो यहाँ पे टच होने का डर रहता है, तो इसको पहले ही पीछे रखा गया। दूसरी बात ये है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है पीछे। अब बात करते हैं इसके पीछे बाद स्पेयर व्हील की। यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील मिल जाता है वही साइज का मिलेगा जो गाड़ी के अंदर पहले से टायर लगे हुए हैं, ये भी उसी साइज का आपको मिल जाएगा। 255/70R18 के इसके अंदर आपको टायर की प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है, और टायर के ऊपर यहाँ पे माउंट मिलता है एक कैमरा, और यहाँ पे हमें मिलता है ब्रेक लैंप जो थार के अंदर यहाँ पे अंदर माउंट है, इसका बाहर है। पीछे से आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है, इतने सेम भी नहीं बोलेंगे कि ये बिल्कुल सेम ही लग रही है। देखो आप खुद ही देख लो पीछे दोनों गाड़ियों का लुक देख लो, थार भी किसी से कम नहीं है और रैंगलर का क्या बोले इसका तो मुकाबला किसी से नहीं है। इसका पीछे वाला टेल गेट जो खुलते हैं जैसे थार का खुलता है वैसे खुलता है, ये देखो अभी थार के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल करी जा रही हैं। ये लोहा है कि क्या है इतना भारी, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये टेल गेट की साउंड है और वजन में काफ़ी ज़्यादा है, ये भी काफ़ी वेट है इसका भाई। आप देखो गौर करिए चीज़ों पर, ये देखो कहीं भी लगा लो भाई, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, देखो हर बिल्ड क्वालिटी देखो गाड़ी की, कहीं जानबूझ के करते हैं ना तो देखो, मैं भी ऐसे सोचता था यार जानबूझ के करते होंगे, लेकिन भाई सच में ये गाड़ी कुछ और ही है, इस गाड़ी का मुकाबला किसी गाड़ी के साथ नहीं कर सकते हैं। थार के साथ इसका कंपेरिजन करना एक बेवकूफ़ी होगी। तो इसका जो टेल गेट है कुछ इस तरह से खुल जाता है, और यहाँ पे आप कहीं आप घूमने गए हैं तो इसके ऊपर आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी गया है कि 11 किलो का वेट ये आराम से ले सकता है, और कुछ इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये वाला गेट कुछ इस तरह से खुलता है ऊपर जैसे थार का खुलता है। इसका वेट है, थार में भी आपको कुछ इस तरह से ये चीज़ें मिलती हैं। ये रियर वाइपर की पाइप है जहाँ से पानी आता है, और ये वायरिंग है इसकी, यहाँ पे आपको सॉकर मिल जाते हैं इस गेट को होल्ड करने के लिए। जैसे हम इसको बंद करते हैं यहाँ पे आपको इसके ऊपर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे लैचेस मिल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये जो आपका हार्ड टॉप है अलग खुल भी जाता है इसका, इसका हार्ड टॉप अलग से निकाल भी सकते हैं। और पीछे से आप देखेंगे इस गाड़ी को कुछ इस तरह से देखते हैं, थार के अंदर देखा ना आपने यहाँ पे रोल गेज लगे हैं, लेकिन इसका कुछ और ही है। आप इस गाड़ी को ओपन करके भी चला सकते हैं, इसका जो हार्ड टॉप है इसको निकाल के भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थार के अंदर थोड़ा मुश्किल रहता है ये चीज़ करना। काश मेरी थार का भी हार्ड टॉप आसानी से निकल जाता है, इसका जो लुक ये गाड़ी देती है वो नहीं देती है। और ये है कुछ इस तरह से इसका बूट स्पेस, काफ़ी बड़ा है, थार के अंदर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन अब जो थार लॉन्च हो रही है दिसंबर तक, मतलब इस साल के एंड में थार लॉन्च हो जाएगी 5 डोर वाली, उसके अंदर ये कमी पूरी हो जाएगी। चलिए इस गेट को बंद करते हैं आराम से, चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं। कुछ इस तरह से खुलता है ये, हाय भाई साहब डोर है पर क्या बात करें, डोर कुछ इस तरह से दिखता है इसका। यहाँ पे आपको मिरर को एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है, यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए आपको हैंडल दिया है, ये यहाँ से लॉक हो जाता है, यहाँ से चारों दरवाजे लॉक अनलॉक हो जाते हैं, और यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको मिलता है। दरवाजे की मोटाई कम है क्योंकि जब भी आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको पीछे देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना, अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं तो आपको पीछे देखने के लिए प्रॉब्लम, जो कि सेडान गाड़ियों के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनके दरवाजे काफ़ी मोटे रखे जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं, जरूरी सामान रख सकते हैं, यहाँ पे नेट दिया गया है। गाड़ी के अंदर जाने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे आपको फुट रनिंग स्टेप मिल जाता है जो गाड़ी के अंदर जाने के लिए हमें हेल्प करता है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, लो जी। दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये है ऑटोमेटिक, विजिबिलिटी तो हम सेम वही थार वाली यहाँ से देखने को लगती है, लेकिन भाई इसका कुछ अलग ही फील आता है भाई। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे रिमोट की मिल जाती है जो कि स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ही गाड़ी आती है। सामने से कुछ इसका डैशबोर्ड देखेंगे, रूबीकॉन हमें मिलती है 2.0 पेट्रोल इंजन के साथ। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, एक बार दबाने पे गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाता है। लो भाई साहब ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। अभी पार्किंग के ऊपर गाड़ी डली है तो पी जला हुआ, जब रिवर्स पे डलेगी तो आर जल जाएगा, न्यूट्रल पे होगी तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, ड्राइव पे डालेंगे तो ये गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक ड्राइव करती रहेगी। आपको एक्सीलेट करना है, ब्रेक लेनी है, एक्सीलेट करना है, ठीक है। 4x4 का ट्रांसमिशन यहाँ पे मिल जाता है, ये इसकी नो मिलती है, और ये इसकी हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है, मतलब ये ड्राइवर से काफ़ी दूर है, देखो काफ़ी दूर है। अभी मेरे को यहाँ पे चाहिए थी ना, तो इसकी हैंड ब्रेक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अच्छी लग रही है, और यहाँ पे आपको इसका आर्म रेस्ट मिल जाता है। दो टाइम में खुलता है, देखो पहले ऊपर से खोलेंगे
तो ये इतना खुलेगा, इसके बाद आप इसको इससे भी खोल सकते हैं। काफी डीप आपको ये मिल जाता है, सॉफ्ट टच है ये, हल्का मतलब हार्ड टच है लेकिन है सॉफ्ट, जोर से दबाएंगे तो सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग के साथ मिलता है। एसी विंड आपको यहाँ मिलते हैं, इसका टच स्क्रीन मिलता है, इसके नीचे आपको एसी की कंट्रोल यूनिट मिलती है, इसके नीचे आते हैं चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, यहाँ पे पावर विंडो अप डाउन करने के लिए बटन मिलते हैं, इसके साइड में यहाँ पे हमें यूएसबी के पोर्ट मिलते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन यहाँ पे मिलता है, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये नीचे से देखो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ब्रेक और आपको एक थॉटो मिलता है। हाइट की कोई प्रॉब्लम है, 6-7 फुट का आदमी काफी अच्छे से यहाँ पे इसके अंदर बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं पकड़ने के लिए, जहाँ पे गाड़ी के अंदर एक रगेड फील करवाती है, नहीं भाई मैं जीप रैंगलर हूँ। तो चलिए दोस्तों पीछे वाली रो पे चलते हैं। और यहाँ पे जो मैं फील कर पा रहा हूँ, इसका कंफर्ट ठीक है, सीट काफ़ी छोटी है इस गाड़ी की, ये क्या चीज़ है, मतलब ये सीट इस गाड़ी की काफ़ी छोटी लग रही है मेरे को, थाई स्पोर्ट कम है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन ठीक है ऑफ रोड व्हीकल है, हिल जुल होती रहती है गाड़ी के अंदर, नी स्पेस इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला विंडो अप डाउन करने के लिए यहाँ हमको यहाँ पे बटन मिलते हैं, यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 230 वोल्ट का एसी 150 वाट का यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। पीछे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इसके जो स्पीकर है यहाँ पे माउंट करे गए हैं, ये सब वूफर है इसके, ये इसके स्पीकर यहाँ पे हमें माउंट मिलते हैं, जो थार के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन इसके और थार के स्पीकर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और यहाँ पे हमें कैबिन लाइट मिल जाती है, अलग अलग बटन इसके अंदर दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से जो लाइट चाहिए वो ऑन कर सकते हैं। और इसका जो हार्ड टॉप देख रहे हैं ये बाहर निकल जाता है, ये भी ओपन हो जाता है, और पीछे वाला आर्मरेस्ट जो है जो यहाँ से निकलता है, इसको ऐसे खोलेंगे और ये यहाँ आ जाता है, तो ये बन जाता है पीछे वाले बंदों को आर्मरेस्ट बन जाता है, आराम से आप बिल्कुल कंफर्ट वाली एक ड्राइव ले सकते हैं। तो बाकी जो पीछे बच जाता है ये इसका बोर्ड स्पेस है, ये देखो ये बोर्ड स्पेस है। अभी दोस्तों जो हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो पहली बार बैठे थे, पहली बार इस गाड़ी का आनंद ले रहे हैं, आज तो हमने आनंद ही लिया है, अभी इतना ज़्यादा मैं इस गाड़ी का एक्सप्लोर आपको कर नहीं पाया कि क्या क्या इस गाड़ी के अंदर जो भी हमसे हुआ आपको दिखा दिया। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, कुछ आपसे शेयर किया है जीप रैंगलर रूबीकॉन का, कैसा लगा वीडियो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।